नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यंदु मंडल, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बना है उसी के थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप पे रेगुलर बेसिस पे पूरा फाइल शेयर करता हूँ। उसका कल का मार्च का परफॉर्मेंस कैसा रहा, कल का जो फाइल शेयर किया था, कल का एंड ऑफ द डे डाटा लेके जो फाइल बनाया था, जो लेवल दिया था, उसका कैसा परफॉर्म किया है, तो आज मैंने उसको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। ये व्यू आप लोग को मिल जाएगा इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर का बाय लेवल एंड सेल लेवल इनसाइड द ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी Nr4 Nr7 कैंडलस्टिक पैटर्न और फिबोनाची लेवल्स आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और बहुत सारा स्ट्रेटेजीज जो है चार्ट का सेटअप है वो आप लोग को 95% एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट दे सकता है, और बहुत सारे स्ट्रेटेजीज एंड टेक्निक है जो आप लोग अडेप्ट करके स्टॉक मार्केट से बहुत ही आसानी से प्रॉफिट कमा सकता है। तो देखिए, मैंने ये जो व्हाट्सएप आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन होकर फ्री ट्रायल के लिए देख सकते हैं इस फाइल का, और इस फाइल में क्या क्या है और कैसे स्क्रीनिंग करना है वो आप लोग पिछले वाला वीडियोस देख लीजिए, तो उसमें आप लोग को पता चल जाएगा। इधर बाय सेल लेवल 1, 2 और 3 रहता है, बहुत सारा इंडिकेटर्स है जो कि आप जो देखें आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं। उसके बाद मूविंग एवरेज का स्ट्रेटेजी रहता है, कैंडलस्टिक पैटर्न रहता है। तो देखिए, मैंने बाय सेल लेवल पहले दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने कल जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरा कॉल दिया था, उसके बाद मैंने कुछ उसको फाइल में उस फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया उस फाइल को मैंने डाउनलोड कर लिया उसके फाइल मैंने कल रात में दिया था। उसके बाद ये इसका कुछ आप लोग स्क्रीनिंग कर सकते हैं, मैंने भी कुछ रिकमेंडेशन दिया था। तो इधर आप लोग को इसमें से एक दो आप लोग को दिखाता हूँ। तो और मेरा जो एक्चुअली इधर रिकमेंडेशन दिखाने से कुछ देर लग सकता है, तो मेरा मार्केट वाइज में जो कुछ लगा हुआ है उसका भी आप लोग को दिखा देता हूँ। तो देखते हैं आर बी एल बैंक दिया था, आर बी एल बैंक का जो लेवल था 360 आज 355 में ओपन हुआ था। मैंने एक बार बाई लेवल देख लेता है, बाई लेवल और सेल लेवल आर बी एल बैंक का जो लेवल था ये 344.86 में इसका बाय लेवल था और 341.20 में इसका सेल लेवल था। तो ये ओपनिंग हुआ था 355 के ऊपर, तो 355 के ऊपर ये ओपन होकर 360 तक गया था। तो ये देखिए गैप ओपन हुआ था, इसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद ये पहले इधर ठीक था। तो आप लोग देखिए 355 के ऊपर 357 के ऊपर आप लोग एंट्री ले सकते थे, तो इधर 360 तक आप लोग को प्रॉफिट मिल जाता था। तो इधर और एक फाइल मैंने शेयर करता हूँ बाय सेल लेवल 3, तो उसमें क्या लेवल आया था उसका भी देखना पड़ेगा एक बार देख लेता हूँ। तो इधर कुछ लेवल आया था या नहीं आया था और आने से भी कितना प्रॉफिट दिया था वो भी देखना पड़ेगा। या इधर भी बाई लेवल था 357, तो इधर 339 सेल का लेवल, तो इधर आप लोग इस लेवल पे आप लोग एंट्री दे सकते थे। तो इधर 360 तक 5 मिनट के बाद ही आप लोग को प्रॉफिट आ जाता था। तो इधर एक या उधर मैंने देखता हूँ और कुछ भी देख लेता है इधर से। पेल का मैंने दिया था, पेल कैसे परफॉर्म किया देख लेता है। 1509 ये है, 1473 इसका बाई लेवल था, 1465 की सेल लेवल था। ये ओपनिंग हुआ था 1492 में ओपन होने के बाद ये 1509 ओपन होने के बाद ही ये ऊपर हाई चला गया था। उसके बाद ये नीचे का लेवल शायद आया नहीं था, 1465 नीचे का लेवल आया नहीं था। तो इधर ओपन होने के बाद ये हाई मार दिया था 502, और ये लेवल आप लोग पकड़ नहीं पाते थे। तो और भी कुछ लेवल देख लेता है इधर से, कुछ भी देख लेता है। इनकी को एक बार देख लेता है, इधर इनकी का देखता है इसका बाई लेवल। इनकी का जो बाई लेवल 721 पे और 716 पे सेल लेवल था,
तो 721 पे ये ओपन हुआ था 721.70 पे, 721.70 पे ओपन होने के बाद 726 का इधर आप लोग पकड़ नहीं पाते थे, उसका नेक्स्ट लेवल में आप लोग एंट्री ले सकते थे और सोच लीजिए 725 या 723 इधर जब हाई लो ब्रेक किया 725 के ऊपर फिर से आप लोग एंट्री ले सकते थे, 725 के ऊपर एंट्री ले सकते थे। तो ये 731.50 तक ये हाई गया था तो ऐसे आप लोग एंट्री ले सकते थे। उसके बाद मैंने कुछ इनसेट दबा जो 100 DMA का जो स्ट्रैटेजी है उसका आप लोग को दिखाऊंगा। इधर तो बाई लेवल और सेल लेवल कैसे परफॉर्म किया दिखा दिया, उसके बाद जो 100 DMA का ये महीने का जो स्ट्रैटेजी है वो आप लोग को दिखाऊंगा। वो उसमें तो उसमें अंदर क्या कुछ लेवल आया था, देखिए अदानी पोर्ट कल का 100 DMA का स्ट्रैटेजी मैच किया था, मतलब 100 DMA कल का जो लास्ट कैंडल था, कल का डेली कैंडल जो था उसको काट किया था। तो उसका इसका जो कल का जो हाई लो था 387.70 और 378.25, तो आज ब्रेक होने से इसका प्रॉफिट आना चाहिए। तो देखते हैं इसका कैसे हुआ था। देखिए इधर मैंने डेली चार्ट में दिखाता हूँ, डेली चार्ट में आप लोग को दिखाऊंगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए इधर कल का जो ये था इसका देखिए ये जो 100 DMA आप लोग देख सकते हैं, 100 DMA मूविंग एवरेज आप लोग देख सकते हैं, ये जो वॉलेट वाला का ये है तो ये कल का कैंडल था, इसको काट किया है ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद ये आज गैप अप इसका हाई ब्रेक किया है और गैप अप हो गया था, तो गैप अप होने से इसका जो लेवल था 387 इसको मैंने 5 मिनट में देखना चाहता हूँ एक्चुअली। तो इधर गैप अप ओपनिंग दिया था, गैप अप ओपन होने के बाद ये 389 में ओपन हुआ था, उसके बाद जब 387 फिर से जब ये 389 का ऊपर जब गया था ये 394 तक ये ऊपर गया था, बाद में शायद और ऊपर गया नहीं किया नहीं था तो 394 लास्ट कितना हाई गया था 394 ही हाई गया था। इधर से आप लोग आसानी से एंट्री ले सकते थे, तो इधर 378 नीचे का लेवल ना आया नहीं था, आप लोग इधर से भी एंट्री ले सकते थे। तो 378 आप लोग का स्टॉप लॉस रखते थे तो इधर से आप लोग को 394 में आप लोग को प्रॉफिट मिल जाता था। तो ऐसे मैंने और भी और इधर से मैंने और भी कुछ देख लेता है, बॉस लिमिटेड तो थोड़ा सा बड़ा है, BPCL को देख लेता है। BPCL BPCL को देख लेते हैं, इसका कल का हाई लो क्या था, इसका कल का हाई लो था 457.70 448.655, तो 457.448, तो इधर ओपनिंग हुआ था 472 में और ऊपर चला गया था, ओपन होने के बाद ये ऊपर ओपन होने के बाद ये ऊपर चला गया था, उसके बाद जब फिर से इसका ऊपर गया था तो ये 473 तक चला गया था। तो इधर देखिए मैंने कंफर्ट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी दिखाने का कोशिश करूँगा। फिर लीजिए इधर वन डे का गोदरेज सीपी का वन डे का इनसाइड द बात था, गोदरेज सिटी वन डे का इनसाइड द बात था। तो इधर गोदरेज सिटी का जो उसका नाम 735, तो इधर गोदरेज सिटी को देख लेते हैं 735 को 738 और 756 और 735 का ये नीचे ब्रेक किया है, नीचे ब्रेक किया है तो इधर नीचे इसका प्रॉफिट आना चाहिए, नीचे ये ब्रेक किया था तो इधर ऊपर गया, ऊपर भी नहीं गया तो इसका लेवल नहीं आया था। आप यहाँ डाउन का 725 का जो लेवल ब्रेक किया था उसके बाद ये नीचे आया नहीं था, तो इधर कुछ इधर लेवल एंट्री नहीं होता था। तो दूसरा कुछ स्ट्रैटेजी देख लेते हैं, दूसरा कुछ स्ट्रैटेजी सोच लीजिए मैंने Nr4 Nr7 देख लेता हूँ, डासिन को